नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने दरगाह आला हजरत स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने NPR को 1 अप्रैल से जारी हो रही जनगणना के बहिष्कार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी तो 1 अप्रैल के बाद जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया कि कोई सतर्कता मुझे नजर नहीं आ रही है। उसी तरह मायावती का हाल है, वो भी इसी किस्म का अपना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हमें इस वक्त सक्रिय विपक्ष की जरूरत है। जो विपक्ष बिल्कुल डल हो चुका है, खामोश होकर घर बैठा हुआ है, उस विपक्ष को अगर इस जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े होने में उन्हें कोई परहेज है तो कल उनके साथ खड़े होने में फिर बाकी लोगों को भी परहेज होगा। कोई कांग्रेस से उम्मीद है ना? मैं तमाम सेकुलर जमातों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का थोड़ा बहुत नाम तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक अखिलेश यादव और मायावती का ताल्लुक है या और दूसरी जो छोटी छोटी जमातें हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन तमाम जमातों का रवैया मैं ये देख रहा हूँ कि इस मामले में वो बिल्कुल खामोश हैं और वो ये समझते हैं कि इससे मुसलमानों का नुकसान होने वाला है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इसके बरक्स है, मुसलमानों का उतना नुकसान नहीं है जितना इससे हिंदुस्तान का नुकसान है और जितना हिंदुस्तानियों का नुकसान है। तो हम हिंदुस्तानियों के नुकसान के लिए ख़ास तौर से गैर कांग्रेसी और भाजपाई जहाँ जहाँ सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, उन प्रदेशों के सभी विपक्षी पार्टियों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि इस वक्त इस मामले में अगर सक्रिय होंगे तभी कल उनके बारे में सोचा जाएगा, गौर किया जाएगा, वरना उनको पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। ये जो कर्मचारी आएंगे उनको हम जो जानकारी देंगे उसके मुताबिक वो एंट्री कर लेंगे, लेकिन हमारे उस एंट्री के साथ वो डी लगाकर भेजेंगे अपनी रिपोर्ट और NPR का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा उसके बाद वो डी लगे हुए तमाम नामों पर नोटिस जाएंगे और उनसे फिर वो तमाम कागजात जो इस वक्त नहीं मांगे जा रहे हैं वो उस वक्त वो तमाम कागजात तलब किए जाएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक जहर को बढ़ावा दे रहे हैं और जो इनके नापसंदीदा हैं, ये तो कहते हैं कि जो जो इनके साथ नहीं खड़ा है वो तो देशद्रोही है, देश का गद्दार है। जो इनके साथ खड़ा हुआ है वो कितना ही बड़ा बेईमान और कितना भी बड़ा बलात्कारी, कितना भी बड़ा गद्दार हो, वो देश प्रेमी है और देश के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का मतलब यह है कि देश प्रेमी है, और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने का मतलब यह है कि वो देशद्रोही है और देश का गद्दार है। तो भैया मोबाइल, इनकी ये कोशिश है कि जो लोग इनसे मुत्तफिक नहीं है, इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इनका समर्थन नहीं करते हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए और ऐसे लोगों को NPR के जरिए और उसके बाद NRC के जरिए प्रताड़ित किया जाए। इसके लिए तमाम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस मामले में मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं और 1 अप्रैल से पहले अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आला पैमाने पर हम एहतजाज का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। तारीख का बहुत जल्द ऐलान करेंगे। पहले हम एक बार और कोशिश करेंगे कि हुकूमत हमारी मांगों पर गौर करे, अगर गौर नहीं किया जाता है और संवेदना के साथ और इंसानियत के साथ हमारी मांगों पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो फिर हम धरना करने के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी कि खून बहाकर इंकलाब लाया जाएगा। जैसे मैंने कहा हो कि मैं किसी पर हमला आवर हूँ, जबकि मैंने ये बार बार इस बात की ताकीद की है अपने लोगों से कि हमें किसी भी कीमत पे कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि हम कानून की हिमायत में लड़ रहे हैं। कानून
के साथ जो गैर कानूनी खिलवाड़ किया जा रहा है उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। कानून किसी भी कीमत पे अपने हाथ में नहीं लेना है, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना है। अगर हमारे किसी अमल से पुलिस को तकलीफ है, वो जो चाहे एक्शन ले, हमें उनका कोई जवाब नहीं देना है। वो लाठी चलाएंगे, हमें उनकी लाठी रोकनी भी नहीं है, हमें लाठी खानी है। इसके बावजूद दुष्प्रचार किया जाता है महिलाओं के धरने के हवाले से। मैंने महिलाओं के धरने का तो बिल्कुल प्लान नहीं किया है, और जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनेगा तो हम पहले जिला प्रशासन से, जिला पुलिस से बातचीत करेंगे, मशवरा करेंगे, और कैसे अमन व अमान के साथ और खैर व खूबी के साथ हम कैसे अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अभी बेईमानों की सरकार है, झूठों की सरकार है, और बेदरेग झूठ बोलते हैं। गृहमंत्री ने बार बार सीना ठोक के कहा है कि NRC बहरहाल लाया जाएगा, और अब एक धोखा देने की गृह मंत्रालय की तरफ से कोशिश की गई हाउस में कि फिलहाल NRC नहीं लाया जाएगा। तो फिलहाल का तो कोई सवाल नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि NRC नहीं लाया जाएगा, और फिलहाल का मतलब ये है कि कुछ दिन के बाद लाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले NPR से हमें गुजरना है, और NPR अगर सामान्य जनगणना है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। जनगणना जो हर 10 साल में होती है वो होनी चाहिए, जिस तरह होती है उस तरह होनी चाहिए, और हमें सबको सहयोग करना चाहिए, तमाम हिंदुस्तानियों को उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन उसमें जो नई नई चीज़ें निकाली गई हैं, जो नए 5-6 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, उनके आधार पर अगर ये जनगणना होती है तो उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा, और 1 अप्रैल से मैंने सुना है कि ये लागू करने वाले हैं NPR। उससे पहले हमारी ये मांग है कि एक बार उन तमाम चीज़ों पर हुकूमत को पुनर्विचार करना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को निकालना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे देश, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश की जनता की बात कर रहा हूँ, जिसे बार बार इन्होंने लाइनों में लगाने की कोशिश की है। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ सरकार से कि हमारे देश की जनता को इस किस्म की लाइनों में लगाने की कोशिश ना की जाए।